तो उस सिलसिले में मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा था आपकी जो बेसिकली सोर्सेज हैं सर वो ज्यादातर मैंने जो तो नोट किया है वो अहले सुनत के जो सोर्सेज आते हैं आप उनसे बात करते हैं जबकि आई एम नॉट श्योर डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा आपको अंदाजा होगा आपने मु मुख्तार के बारे में सुना है मुख्तार सकफी के बारे में या नहीं आई एम नॉट श्योर इसके अलावा जो था 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 जी 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 श्योर सुना होगा श्योर सुना होगा अच्छा इसके अलावा और बहुत से इस तरह के मजीद कैरेक्टर्स हैं जिनको हमें जहन में रखना पड़ता है जब हम ओवरऑल करबला की स्टोरी को देखते हैं सेकेंडली hmm. जिस वक्त सर हम बात करते हैं ना आपकी आ, यूं कह लें कि जो आपके करबला का वाक्य पहुंचा कैसे तो रसूल के बाद से ऑनवर्ड्स एक पूरा चेन ऑफ इवेंट्स चलता है ठीक है कुछ ठीक है मैं आपकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आ, मैं समझ रहा हूं कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं लेकिन अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यूज को देखेंगे सो वी हैव टू लुक इन टू लाइक ऑल द डिटेल्स हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि तबरी में अगर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है या किसी और चीज़ में इस तरह से लिखा हुआ है तो हम इसको कैसे लेकर चलेंगे तो मेरा मेरा सिर्फ आपसे कहना यह था कि दूसरे आस्पेक्ट स्पेशली uh, जिसको हम कहते हैं कि खानदान रिसालत है उनकी एक पूरी चेन है और उनकी तरफ से वो चेन ऑफ इवेंट्स जो है वो भी चलते हुए आते हैं तो मेरा आपसे सिर्फ ये कहना था कि उसको भी थोड़ा सा तो अच्छा, मुख्तार के बारे में टॉम वो ने अपनी किताब में लिखा है कि जो उस टाइम के अच्छा, हिस्टोरियन थे वो मुख्तार सख्ती के बारे में क्या लिखा हुआ उन्होंने जो क्रिस्चियन हिस्टोरियन थे उनको कोई उनको पता भी नहीं था कि इस्लाम क्या बुलाया उस टाइम उन्होंने मुख्तार सख्ती के बारे में कुछ बातें लिखी हैं जिसमें से एक बात यह है कि मुख्तार सख्ती नबूत का दावेदार था, था। ये मैं तबरी की बात नहीं कर रहा मैं इंडिपेंडेंट कंटेप्रेरी हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ ठीक है इंडिपेंडेंट कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के मुताबिक मुख्तार सख्ती नबूत का दावेदार था जब भी वो जंग में जाता था तो एक कुर्सी के ऊपर एक कपड़ा डाला हुआ लेकर जाता था उस कपड़े को वो ये कहते हैं कि शायद कहते हैं जी वो अली के घर का कोई पर्दा था पहली बात यह दूसरी तो बात यह है कि ये अपनी स्क्रीन अभी शेयर करता हूं। हजरत मुझे एक बात बताएं कि हजरत हुआ कहां से निकले थे करबला के लिए कहां से निकले थे मैदान तो में कैसे पहुंच गए डिफरेंट किस्म के वो हैं बातें हैं और वो ये है कि वो रास्ता उन्होंने किया था कूफा जाने के लिए अच्छा आप मैप निकाल रहे बिल्कुल मैं निकाल रहा हूं मैप जी आपको मैं आप दिखा देता जी, जी 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 ठीक है हालांकि साउथ से जाने वाले दस रास्ते थे जिनसे आराम से जाया जा सकता था मगर जो है ना वो जो है ना वो ये समझा ये बात समझ नहीं आती कि भाई करबला में कैसे पहुंचते करबला में पहुंचने की जरूरत नहीं थी ठीक है

साउथ से हुसैन आई नॉर्थ से रहा था इसलिए ही हैंडेड अप इन करबला ठीक है मैं तो ये मानता हूं तो प्रॉब्लम यह है कि मेरे लिए हुसैन का जो चैप्टर है ना वो एक बाद की बात है मेरे लिए पहली तो बात यह है, है कि इस्लाम तो की के लिए मोहम्मद की साबित नहीं होती तो हुसैन की करके क्या करना है साबित ठीक है मेरा प्रॉब्लम तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना क्या अब उससे आपने क्या करना है प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों ने हुसैन को एक यूनिवर्सल जो है ना वो बनाया हुआ है कि हुसैन मजलूमियत का सबसे बड़ा जो है ना मिसाल है वो नहीं है ठीक है आई एम सॉरी टू से वो नहीं है उससे दस गुना मजलूम और लोग मिल जाते हैं विलियम वॉल्स भी था जो पकड़ा गया जिसके एक एक लिंब को एक एक करके उतारा गया उसको जिंदा था जब उसे कैस्ट्रेट किया गया ठीक है उसकी बीवी को कत्ल कर दिया गया उसके बच्चों को मार दिया गया और तब भी वो क्या था वो आखर तक लड़ तो तो भी था ठीक है तो जंगों में भी हिस्सा लिया था हुसैन तो मुजाहिद भी तो थे ना हसन भी थे तो जीजस ने तो किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया फिर जीजस को क्यों ना मैं मजलूम कहूँ हुसैन का इतना थीम क्यों इम्पोर्टेंट है बाकी में बदर में रसूल अल्लाह ने और सहाबियों ने कब्जा कर लिया था पानी के कुओं पे तो उधर जो थे वो मक्के वाले हार गए थे ठीक है और इधर अगर उन्होंने कर लिया अमवियों ने कर लिया तो उन्होंने कोई रसूल से बड़ा जुल्म तो नहीं किया ना ये तो आप भी मानते हैं ना कि बदर में रसूल अल्लाह ने जो है वो पानी के कुओं पर कब्जा कर लिया था ठीक है इवन आप जो आप वो ही बात है बात ना इसमें अब आप, आप, आप जो बात कर रहे हैं वो जो हिस्ट्री फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में वो भी हैं कि ठीक है पानी के पे कब्जा जरूर हुआ था लेकिन पानी रोका नहीं गया था तो यानी कुछ जगहों पर रोका नहीं गया था अच्छा मेरी मैं आपसे वही गुजारिश कर रहा हूँ ना देखिए मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ आप जो बात कर रहे हैं ना आप बात कर रहे हैं सुन्नी हिस्ट्री की अगर यही चीज आप शिया हिस्ट्री में देखते नहीं रोका, रोका था, 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 के बदर के मैदान में पानी के कुं पर बड़ा जोरों शोर से इस बात की मिसाल देते हैं कि अबू सुफियान के कबूल इस्लाम को बिल्कुल सही दिखाया गया मैसेज मूवी में तो मैसेज मूवी में यह दिखाया गया है कि हजरत हमजा तो पी रहे हैं पानी ठीक है मगर वो उधर प्यासे मार रहे हैं तो ये शिया हिस्ट्री भी इसको मानती है ठीक है मुझे पता है आप इतना ना समझेंगे मुझे शिया इजम का नहीं पता मुझे नहीं, का, नहीं, का पता शियामे शियो की किताबें भी थोड़ी बहुत <laughs> <थोड़ी laughs> मैंने पढ़ी है ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं, पढ़ी। नहीं अच्छी बात है अगर आपने आप सही फरमा रहे हैं मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कर रहा हूँ कि डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री है अब की कई किताबों में पहले आए थे मैंने उनसे भी ये पूछा था कि भाई हुसैन क्यों मजलूम मानू क्यों मैं मजलूम सर ना माने आप ना माने आ, तो ठीक है मैं, मारे मेरी मारे था। 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 तो मेरी गुजारिश सुनिए जब आपसे नहीं मैं मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे यर्ज कर रहा हूं आप बयान करते हैं ना तो मैं आपसे कहता हूँ हिस्टोरिकल फैक्ट जो है वो आप सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू के बयान करते हैं मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू के भी बयान क्या करें सिर्फ इतनी सी आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं मैंने आपके सामने पहले मसला रख दिया था कि भाई मैं तो यही नहीं मानता के इस्लाम वहीं पैदा हुआ है जिधर मक्का में आप मान रहे हैं तो फिर आप भी इस दूसरे टाइम नहीं लूंगा मैं देख रहा हूँ काफी लोग जो आपसे बात करना चाह रहे हैं काफी फेमस आप माशाल्लाह से बहुत ज्यादा हो गए क्या क्या बात है आपकी अच्छा तो मैं शुक्र अदा करूँ इस पर अपना शुक्र अदा कर इसके लिए आप अपना शुक्र अदा करें अच्छा तो मेरा आपसे दूसरी चीज ये कि आपने जिस तरह से बात की कि फॉर एग्जाम्पल शिया मजलूम है या नहीं है इसके ऊपर एक बात हो रही थी मैं छोटा से सिर्फ पॉइंट प्लेस करना चाहता हूँ वो ये है ए एक मिनट है है, सर तो उसमें यह है कि शिया जो है ना सर ये आज से नहीं मर रहे बेसिकली अभी पाकिस्तान में इनका मरना शुरू नहीं हुआ आ, दे आर बींग किल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम तो यानी इसकी भी एक पूरी हिस्ट्री है बहुत बड़ी तो इसके लिए वो यानी हम अगर ये कहें ना कि वो मजलूम है और ये तो ये तो मरते आ रहे हैं मरते रहेंगे और ये ये ऐसे ही चलता रहेगा ये चीजें जो है ना वो नहीं है और बाकी अहमदी जो है उनका तो क्योंकि अब आग, अगर आप आग देखें तो अहमदी इस्लाम जो है ये भी एक नई क्रिएशन है तो यानी नया सेक्ट आप कह लें जो भी आप इसको बोलना चाहें तो ये तो बेसिकली अब मरना शुरू हुए हैं

के जो मुस्लिम कजाब था या इनमें से कोई भी था ये भी अब, अब मसला ये हम हम सारे मुसलमान जो है ना हम हिस्ट्री को अ, जरा क्रिटिकली नहीं देखते और दैट्स लाइक यू के आप जो क्रिटिकल चीजें लेके हमारे सामने आते हैं ना हम भी दो मिनट के लिए परेशान हो जाते हैं यार ये क्या चीज है लेकिन वो होती सच्चाई है तो चाहे मुस्लिम कजाब है या इस तरह के जो भी झूठे नबी उस टाइम पे मारे गए ना फॉर एग्जाम्पल तो उनको भी देखना पड़ेगा कि वो कैसे मारे गए और मैं यहाँ पे जितने भी मुसलमान अगर कोई देख रहे हैं उस मुस्लिम के ऊपर जो चीजें टैक्स नहीं दे रहे आपने मुर्त कर दी और बड़ी सारी मसाइल हुए थे और मैं आपको मैं उनको डिफेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हम मुसलमानों को वो हिस्ट्री पढ़ के ये देखने की और समझने की जरूरत है कि हमारे पास खासे डार्क स्पॉट्स मौजूद हैं मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ मैं एक्चुअली आपके फेवर की बात कर रही हूँ आपकी साइड की बात कर रहा हूँ और आप लोगों का मैं कहूंगा कि आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए तमाम मुसलमानों को कि आपने लोगों को पढ़ना लिखना सिखा दिया लोग पढ़ना शुरू हो गए थोड़ा बहुत तो बस ये, ये, ये आप कह रहे हैं कि सुनियों की हिस्ट्री जो है ना उसको उसके ऊपर शाक करना चाहिए तो नहीं, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ करना चाहिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं आपसे फिर मुझे बात बताएं अभी आप जब आए आपने कहा कि आपने हुसैन के बारे में अली के बारे में सुनियों की हिस्ट्री से पढ़ा ठीक ठीक है, है। आपने शियों की हिस्ट्री से पढ़ा मुझे आर्ग्यूमेंट ही नहीं था कि हम एक को देखें या दूसरे को देखें मेरा सिर्फ और सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ये थी कि आप दोनों चीजें बताएं मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किस पे बिलीव करें ये तो आखिर में सुनने और पढ़ने वाले पे डिपेंड करता रहा था चाह रहे हैं कि हम थोड़ा सा तोपों का रुख इनकी तरफ भी करें करें जब आप करेंगे, करेंगे तनकीद करना मेरा बनता है और एंगल किसी मुल्लों को पता ही नहीं है भाई हम पैट्रा की बात करते हैं चले पैट्रा की बात नहीं हम करते हम ये कहते हैं मक्का नहीं था किसी मुल्य ने क्या जवाब इसका दिन है मुझे बताए ना आगे अभी तक मुल्ला है वो आपका भी नहीं कोई दे सकता ठीक है आपका भी नहीं दे सकता कोई भी क्या जवाब आप, आप देंगे अब अब जो कंटेंपरेरी हिस्ट्री है देखें एक चीज है एक सिंपल सी बात है सिकंदर निकला था मैसेडोनिया से ठीक है वो आया बेबीलोन ठीक है वो फिर पर्शिया आया ठीक है फिर वो इधर हमारे पंजाब में आया सिकंदर के बारे में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं सिकंदर की एक हिस्ट्री अगर हमें मिलती है उनके हां क्या उसको कहते हैं यार अब देखो यूनानियों के यहाँ अगर एक हिस्ट्री हमें मिलती है ग्रीक्स के यहाँ तो जब हम उस हिस्ट्री को करेबरेट करने की कोशिश करते हैं कि सिकंदर एक इतनी बड़ी फिगर था उसके बारे में बेबलोनियंस ने क्या लिखा है तो बेबलोनियंस ने भी थोड़ी बहुत फर्क के साथ वही बातें लिखी होती हैं जो कि ग्रीक्स ने लिखी हैं इजिप्शन ने भी वही बातें लिखी होती हैं कि जो ग्रीक्स ने लिखी हैं इजिप्शियंस ने उसके इमेजेस बनाए हैं वैसे ही बनाए हैं जैसे बेबलोनियंस ने बनाए हैं घुगरे बाल छोटे छोटे ठीक है सर के ऊपर वो इस तरह वो पहन लिया और क्लीन शेव्ड आदमी है ठीक है फिर अगर इवन के आप इधर पंजाब तक आ जाए तो जो एक्सप्लेनेशन है सिकंदर की वो कहीं बदलती नहीं है पूरा बताया जाता है वो सत्रह साल का था वो अपने घर से निकला उसने लेके इतने लश्कर किए फ्लां किया ढमका किया सबके यहाँ जो कंटेम्परे हिस्ट्री है वो करबरेट करती है वो जो ग्रीक्स ने हिस्ट्री लिखी है उसे री करती है ठीक है लेजेंड इवन के सिकंदर एक ऐसी फिगर है दुनिया की वाहिद वाहि जिसके गिर्द कोई उस तरह का लेजेंड भी बनाया नहीं गया बाकियों के, थे के थे गिर्द थे कुछ बनाने की कोशिश की गई अब अच्छा देखिए सर गालिब साहब मैं माजरत के साथ मैं आपको दोबारा ज्वाइन करूंगा नेक्स्ट वीक ठीक है और मैं आपसे मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना है थैंक यू सो मच सर थैंक यूक यू अच्छा जी तो जो मैं बात कर रहा था कि सिकंदर निकला मैसेडोनिया से ग्रीस सब ने जितने भी थे जिधर जिधर वो फतेह करने गया जिधर जिधर उसने जाके लोगों को फतेह किया उनके हुकूमत की सब लोग उसकी हुकूमत की एक्सप्लेनेशन उसके जनरल्स के नाम उसका घोड़ा घोड़े का नाम तक जो है वो ठीक बताते हैं ठीक है और सिकंदर क्या कर रहा है सिकंदर ने फलान जगह लड़ा यूं लड़ा नेजे कितने लंबे होते थे भाई उनके यूनानियों के वो भी सारे वो प्रॉपर बताते हैं कितनी लेंथ होती थी ढाल ऐसी उठाते थे फुट सोल्जर्स होते थे घोड़ों वाले कम होते थे फलान ढमकान ये वो सारा कुछ वो सब कुछ सब ठीक बताते हैं अब एक मोहम्मद है मोहम्मद जो है वो एक हिस्टोरिकल फिगर होना चाहिए मोहम्मद के बारे में जब हम देखते हैं कि मोहम्मद निकला अपने इलाके से और उसने फतवाहत शुरू की और ये हुआ फलान ढमकान जी रोम और फारस को हरा दिया फलां हो गया ढमका हो गया ये सारी बातें होती हैं मगर कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री चेक करो तो किसी को पता ही नहीं है कि मोहम्मद हमें फतेह करने आया मुसलमान हमें फतेह करने आए हैं ये कहते हैं जिधर जाते थे पहले उनको एक एक ऑप्शन देते थे कि या तो इस्लाम कबूल कर लो या जजिया दे दो या जंग के लिए तैयार हो जाओ इस बात का कहीं से कोई सबूत नहीं मिलता है। ये यरूशलेम करने जाते हैं वो कहते ही नहीं है कि मुसलमान आए वो कहते हैं सरसन आए हैं इन्होंने हमें फतेह कर दिया ठीक है फिर आगे पीछे जो दूसरे कंटेम्परे हिस्टोरियन है उन्होंने कहीं मोहम्मद का नाम लिखा ही नहीं है आज तक कि भाई मोहम्मद था जिसने किया ठीक है रसूल के मरने से नब्बे साल बाद पहली दफा मोहम्मद का नाम मिलता है कहीं लिखा हुआ उससे पहले कोई है ही नहीं नाम कहीं लिखा कुरान की कहीं बात ही नहीं है कहा गया ठीक है माविया का नाम जगह जगह लिखा मिल रहा है मरवान का नाम लिख रहा है लिखा हुआ मिल रहा है फलां का कहीं माविया के खतों में इस्लाम का जिक्र नहीं है कहीं मोहम्मद का शायबा भी नहीं है अल्लाह का नाम नहीं है कहीं इवन के जिनको ये फतेह करने जा रहे हैं उन्होंने नोटिस किया है कि इनमें से कुछ जो है इनमें से तो लोग बुतप्रस्ती कर रहे हैं ये जो उनके सैरसन उनको फतेह करने आए हैं जिन्होंने उन पर हमला किया कब्जा कर लिया वो तो बुतों को पूज रहे हैं ठीक है यानी सेवन सेंचुरी एडी के अंदर मोहम्मद के मरने के बाद जो बुतों को पूज रहे हैं जो फतेह करने आए हैं तो मुझे बताएं इस्लाम की तरफ फिर ये इस्लाम सारा बाद की कारस्तानी थी मरवान ने और अब्दुल मालक ने और इन्होंने इस्लाम का एक स्केलेटन खड़ा किया जो कि कुरान की शक्ल में था उसके बाद अगली जो बातें हुई हैं वो क्या है अगली बातें ये हुई हैं कि जब अब्बासी आए हैं अब्बासी जो थे वो युजरपर थे जिसको कहते हैं बागी जिन्होंने बादशाह को कत्ल करके सल्तनत पर कब्जा किया वो थे जब उन्होंने कब्जा किया तो उन्होंने अपने आप को लिजिटमाइज करना था लोगों की नज़र में अपने आप को अच्छा साबित करना था उमियों को गलत कहना था तो उन्होंने फिर मोहम्मद का जो छोटा मोटा कैरेक्टर पहले एग्जिस्ट करता था उसको फिर उन्होंने बढ़ाया चढ़ाया उसे लेजेंडरी किया और कहा कि भाई हम उसके चचा की औलाद क्यों तो वो क्या हो गए वो हो गए किस चीज के सल्तनत के और फिर इस्लाम उन्होंने पैदा किया ये इस्लाम वो जो अभी ये लिख रहे हैं नईम अंसारी साहब इस्लाम वॉज एन अरब एम्पीरियलिज्म बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है ये कहते हैं वो मदूदी ने किताब लिखी है खिलाफतों मलूकियत और उसमें वो कहता है कि जी पहले चार खलीफा जो थे सिर्फ वो खलीफा थे बाकी सारे मलक थे मसला ये है कि पहले चार खलीफों का कहीं नाम निशान ही नहीं है खिलाफत तो थी ही नहीं खलीफा ये थे ही नहीं कहीं नाम निशान ही नहीं है कोई छोटे मोटे जर्नैल शायद कोई होंगे जिन्होंने के को तीस पैंतीस गांवों के ऊपर कोई हुकूमत होगी उससे आगे कुछ भी नहीं है उससे आगे जो इस्लामिक एम्पायर शुरू होती है वो माविया से शुरू होती है माविया से पहले किसी का कोई पता नहीं है इवन के कुछ जगहों पर मतलब अब मैं ये बातें बिफोर एंड नहीं करना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूं कि प्रॉपरली सारी चीजें एक साथ प्रजेंट करूँ ताकि आप लोगों को पता चले तो मैं इस पे वीडियोज बनाने वाला हूँ इस्लाम की हिस्ट्री के ऊपर जो इस्ला, इस्लाम की जो पैरल हिस्ट्री है उसके ऊपर और मैं मोहम्मद की भी हिस्टोरिसिटी इस्टैब्लिश करूंगा कि मोहम्मद किस बंदे का लेजेंडरी किरदार था मोहम्मद तो ये मैं सारा कुछ बनाने लगाऊँ देखते जाएं आप बस आहिस्ता आहिस्ता मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए इसके साथ साथ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेट्री पर मेरे चैनल के मेम्बर बने इस वीडियो को लाजमन लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि आपका फीडबैक मुझ तक पहुंच सके